मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल के कुएं को जलाने का वॉर प्लान बनाया है। ब्रिटेन के जंगी जेट भी इसराइल के साथ युद्ध में उतर गए हैं। सुपर पावर अमेरिका ने युद्ध में हर तरह से साथ देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के ऐलान से ईरान से ज्यादा तुर्की में खलबली मच गई है। इसराइल ने नसरल्ला को मारा तो युद्ध में ईरान आया। ईरान ने इसराइल को दहलाया तो वॉर जोन में अमेरिका आया। अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक? आर पार का युद्ध है ये, अब किसी के रुके ना रुकेगा। हर खेमे में ऐलान हो चुका है, इसराइल और इस्लामिक फाइटर की लड़ाई महायुद्ध में बदल गई है। भीषण हमले शुरू हो चुके हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फट रही हैं। जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इसराइल में कोहराम मचा है। ईरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है। तुर्की भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, मतलब ये कि महायुद्ध में अब महाशक्तियों के हथियारों की टक्कर शुरू होगी। इसराइल को 181 फतेह मिसाइल हमले से दहलाने के बाद ईरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुल्कों से फौरन रफा दफा होने का फरमान सुनाया है। इसराइल पर हमले का जश्न जिस तरह से ईरान समर्थित लड़ाके मना रहे हैं उससे सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है। بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تهران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنئی کے میسج آنے بھر کی دیر تھی کہ کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है। इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. अमेरिका के ओपन ऐलान के बाद भी ईरान में जश्न का दौर जारी है। ईरान की सड़कों पर बैनर पोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है। मायने ये कि अब ईरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है, लेकिन सुपर पावर से ईरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा? अमेरिका के हथियारों की काट ईरान कहां से लाएगा? क्या ईरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा? ईरान के दुस्साहस की असल डिटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसेज भी सुन लीजिए। मैसेज है सऊदी अरब का, मैसेज है ईरान के लिए, जिसमें साफ कहा गया है कि सऊदी अरब खाड़ी में वॉर टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता। The escalation that we've seen, but I will generally refer anyone who's interested to the Ministry of Foreign Affairs because they are designated to comment on this. However, looking at the global economy as a whole, looking at our region, it is clear is operating
at a loss. सऊदी अरब का मैसेज ईरान के लिए अलार्म है, जबकि ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वॉर जोन में आने से दहल गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को डर सता रहा है कि ईरान के बाद उनका ही नंबर है। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बयां किया। अर्दोगान ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी देकर तुर्की को टारगेट बनाने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहा है। İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde तुर्की डरा हुआ है, सऊदी अरब शांति का पैगाम दे रहा है, फिर ईरान युद्ध की ललकार किसके दम से भर रहा है? वॉर जोन में तहलका मचाने की शुरुआत इजराइल कैसे करता है, ये बेरूत की बर्बादी बताती है। ईरान के मिसाइल स्ट्राइक का जवाब इजराइल भयानक पलटवार करेगा, इसमें किसी को शक नहीं। तो क्या ईरान रूस और चीन के बैकअप से अमेरिका से भिड़ने जा रहा है? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का जोखिम किसके कहने पर मोल लिया है? पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहद डरावना है। रूस ने पश्चिम एशिया के युद्ध संकट का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने बाइडेन को जमकर कोसा है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने टेलीग्राम पोस्ट में दावा किया, पश्चिम एशिया में बाइडेन पूरी तरह विफल रहे हैं, खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ये व्हाइट हाउस की समझ से बाहर है। अमेरिका सिर्फ बयान से संकटों को हल करने में लगा है, जो उसके बस का नहीं। इजराइल के हमले के बाद लेबनान को राहत पैकेज भेजकर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। खाड़ी युद्ध में फिलहाल रूस ईरान खेमे में है। चीन पहले ही ईरान को सैटेलाइट डील करके मदद पहुंचा रहा है, लेकिन वॉर जोन में ये दोनों देश ईरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, खासकर चीन। उधर अमेरिका तय कर चुका है कि अब की बार ईरान का पक्का इलाज करेगा। ईरान को घुटनों पर लाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को हर तरह से मदद पहुंचाता है, हमास पर बरस रहे मिसाइल हों, हिजबुल्ला के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों, या फिर हूती विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका है। इसराइल सुपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है। ऐसे में ईरान ने अगर इसराइल में घुसकर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को ईरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी के देशों में हैं, जहां करीब 40,000 जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, इराक, जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणु गोदाम है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणु धमाके का एहसास करा सकते हैं। अमेरिका के एटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल ईरान के पास नहीं है। चीन जैसे मौका परस्त दोस्त से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हसरत कभी पूरी नहीं हो सकती। बचे पुतिन तो वो इस युद्ध के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिन्हें दुनिया मोस्ट पावरफुल लीडर कहती है। यूक्रेन की तबाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिंदा सबूत है। पुतिन का ईरान के साथ युद्ध में आने से एटमी पावर का भी पल्ला ईरान के हक में चला जाएगा, लेकिन ये युद्ध तब पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। वजह है एटमी धमाके। अमेरिका के एटम बम का धमाका इस धरती ने एक बार झेला है। परमाणु त्रासदी से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है।